हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां की 90 विधानसभा सीटों के साथ साथ 10 लोकसभा की सीटों पर भी नजर रहेगी। कुछ प्रत्याशी जहां अपने विधानसभा के टिकट को पक्की करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, वहीं अब कई नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक तरीके से कई नेता विधानसभा से भी आगे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद या लोकसभा में जाने का सपना देख रहे हैं। टिकट को लेकर अभी से कई प्रत्याशी रैलियों और जनसभाओं के जरिए ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ कितनी पब्लिक है। हरियाणा की अच्छी खासी हॉट सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा भी चर्चाओं में रहती है। यहां से मौजूदा सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हैं। बैग न्यूज के साथ बातचीत में नायब सैनी कह चुके हैं कि वो ही भाजपा की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तब तक वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। आप चुनाव कहां से लड़ेंगे लोकसभा का? कच्छल से लड़ना चाहिए, कुरुक्षेत्र से लड़ूंगा, बिल्कुल कुरुक्षेत्र से लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे भगवान श्री कृष्ण की धारा है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया और उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और पार्टी जैसा आदेश करेगी, पार्टी के आदेश के अनुसार कुरुक्षेत्र से हम लगातार लोगों के बीच में जाकर के काम कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा से ही पार्टी यहां से चुनाव लड़ाएगी और हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं हाल ही में हरियाणवी गायक करमवीर फौजी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कैथल में एक कार्यक्रम के जरिए अपने सैनिक यानी फौजी साथियों के साथ करमवीर फौजी ने सैनिक परिवारों के समर्थन के साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने की बात कही। राजनीतिक तौर पर बात करें तो लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहने वाले फौजी अपने कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ नहीं जोड़ पाए। उनके कार्यक्रम में काफी कुर्सियां खाली दिखी। हालांकि उनका कहना था कि वो किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं बनना चाहते, अगर कोई भी पार्टी उन्हें टिकट देगी और उनके सैनिक साथी उन्हें आगे करेंगे तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं तो एक बात चाहता हूं भाई, कोई भी पार्टी में किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं बनना चाहता। अगर कोई पार्टी चाहती है कि फौजी जैसा बंदा आगे आना चाहिए, अच्छा बंदा है, हम इसको टिकट दे सकते हैं, तो पार्टी अगर हमारे अंदर आस्था जताती है तो संगठन भी हमारे अंदर आस्था जताता है भाई। मैं तो इनके आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ सकता हूं साहब, लेकिन मैं किसी पार्टी से हाथ जोड़ के टिकट मांगने के लिए मैं नहीं जा सकता। वो अगर आपको मंजूर हो तो मेरे को आगे कर दिया, नहीं मेरे को तो मैं अपना बढ़िया हूं जैसा भी हूं भाई, अच्छा हूं मैं तो, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसी स्पष्ट बात करने वाले। अगर फौजी करमवीर भी ऐसे चमचागिरी का अच्छा बनता तो आज राज्यसभा का सांसद बनता, कदे किसी भाई के नहीं हो, क्योंकि मैंने 25 साल खोए हैं, कोई थोड़े नहीं होते भाई। आपने पता है जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो भी जो है चमचागिरी कर करके वही बात है, कुछ मतलब के कहीं आगे बढ़ने के लिए भाई किसी राजनीति लोगों का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं वो कलाकार नहीं हूं, मैं छोटा हूं चाहे बड़ा हूं, मैं फौजी हूं, उस रास्ते को मैं नहीं छोड़ सकता, जिस रास्ते पे इन फौजियों के विश्वास से मैं नहीं तोड़ सकता। मैं फौजी एसोसिएशन कैथल से जुड़ा हूं, 50 शहीदों के हमने कैथल में बीड़ा उठाया, हमने स्टैचू बना दिया जिला परिषद से, शहादत है जिस दिन उस दिन हम प्रोग्राम भी करने लग रहे हैं, ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा साहब मैं, चाहे आप मुझे हाथ पकड़ के कहां भी ले जाओ, मैं इन फौजियों के मार्क्स मांगने कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रहा हूं, मैं ठीक बोल रहा हूं, जो दिल की बात है, हां मैं तीर छोड़ने वाली बात मैं नहीं करता भाई साहब। मेरी बात में कोई अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, किसी के शान के खिलाफ बोल गया हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वरना फौजी करमवीर आप लोगों के लिए, आपने देख लिया 40-45 साल की उम्र होगी, आज तक तो कोई उठी नहीं, भगवान ने 10-15 साल दिए, अगर जिंदगी दी बची होगी, आप लोग अगर चाहते होंगे और आप लोगों का अगर आदेश होगा, बहन चित्रलेखा जी आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि पीछे मत हटिए रे मेरी मां के जाए वीर, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपका विश्वास को बहन जी तोड़ूंगा नहीं, मैं कोई बिकने वाला और टूटने वाला बंदा नहीं हूं, मैं गरीब मंत्रालय की डायरेक्टर का अगर बहन बहन अपनी मानता हूं ना, तो आपके दिए हुए दिशा निर्देश पर, आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का काम करेंगे। सिर्फ हम कोई भी ऐसा माहौल पैदा नहीं करेंगे जिससे आप लोगों का माहौल खराब हो, और मेरे सामने बैठी है जो मेरी ये हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, 36 बिरादरी हैं, ये लोग सोचे कि फौजी तरह माहौल खराब करें, माहौल खराब करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया, ये सुनील जोधा जैसे कमांडो ऐसे नहीं आते भाई, ये ऐसे नहीं आते। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा और भाई को बताऊंगा कि ये भी अपनी वीर गाथा आप लोगों के बीच में बताए, एक बार जोरदार ताली बोल भारत माता की। लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और जानकारियों के लिए आप बैग न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।